मेरा नाम है जाकिर हुसैन, कलाम एकेडमी जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं सुपर 100 क्वेश्चन, उसमें से जो है आज करेंगे 12वां क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो अब आज से जो है वीडियो जो है बिल्कुल ही छोटा छोटा बनाएंगे हम, अब वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। ठीक है, ताकि बहुत बड़ा वीडियो बनने के बाद में उसमें जो है बहुत काफ़ी लोग जो है कम देखते हैं, इस वजह से जो है आज से जो है दोस्तों, और ये हो सकता है कि एक दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन करेंगे हम, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ में बने रहिए आप एग्जाम तक। तो सॉल्व करेंगे 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो संख्या है हमारे पास में एक्स स्क्योर के पास में, इसका क्या करेंगे, सभी संख्या हम भाग देंगे, मगर इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अचर संख्या कितनी है, 3 है, इसको प्लस में, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4x² + 4√3x = कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ये प्लस का है तो बराबर की इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्योर के साथ में जो संख्या है उसका इसका क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग देंगे तो भाग देते हैं 4 + 4√3x / 4 = -3/4। सब में भाग देना है आपको। यहाँ पे भाग दिया हमने, 4 से 4 कटा, क्या बचा, x² + 4 से 4 कटा, √3x = -3/4 आएगा। क्यों यहाँ पे कट नहीं रही है संख्या, तो हमें यही लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्योर का गुणाक, मतलब x के साथ में कौन सी संख्या है, √3 का गुणाक है, और फिर इसका क्या करना है, आधा करके फिर इसका वर्ग करके इस तरफ भी जोड़ेंगे और इस तरफ भी जोड़ेंगे। क्या कहेंगे, x का गुणाक, गुणाक का आधा, गुणाक का आधा कितना होगा, x का गुणाक क्या, √3। √3 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, √3 का आधा करेंगे, या तो फिर यहाँ पर √3 लिख के आधा, या फिर 2 कर दो, 2/2 लिख दो, या फिर क्या करोगे, 1/2 लिख दो। ठीक है, आधा हो जाएगा √3/2 गुणा करने के बाद में, या फिर 1/2 लिखोगे तो ये तो आधा हो जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, √3/2 आधा करके वर्ग करके वर्ग करने पर दोनों तरफ जोड़ेंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ जोड़ेंगे, आधा करके इसका आधा कर दिया हमने, फिर वर्ग करके इस तरफ भी जोड़ेंगे और इस तरफ भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका वर्ग कर देते हैं, √3/2 का ये वर्ग कर दिया हमने इसका, और फिर क्या करेंगे, इस तरफ भी जोड़ेंगे और इस तरफ भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा x² + √3x + यहाँ पर वर्ग क्या किया हमने, √3/2 का होल स्क्योर, √3/2 का होल स्क्योर बराबर यहाँ पर आ जाएगा -3/4, इसको लिखना है 3/4, और यहाँ पर भी इसमें भी जोड़ा, इसमें भी जोड़ेगा √3/2 का होल स्क्योर। ठीक है, दोनों तरफ हमने इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, a का स्क्योर आ गया और b का स्क्योर आ गया, और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो हमारे पास में प्लस का फॉर्मूला आता है ऐसा, +b² a² + 2ab + b² तो हम जो इसको फॉर्मूले में ऐड कर देंगे इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, x + √3/2 का होल स्क्योर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2ab लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, a ये हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा बराबर। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, -3/4 और प्लस यहाँ पर √3 का स्क्योर करेंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा, 2 का स्क्योर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर एलसीएम करेंगे हम तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, दोनों में से एक आती है संख्या जब समान होती है, तो हर के अंदर संख्या, और ऊपर से क्या आएगा, 3 - का + का 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0/4। जब 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी ऊपर 0 होता है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट तीन बटा दो, कितनी बार है हमारे पास में, दो बार है, कितनी बार है, दो बार है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, एक्स प्लस रूट तीन बटा दो, ठीक है। और एक बार यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस रूट तीन बटा दो, दो बार लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ, इसके और मतलब दो बार है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस तीन बटा दो, ये प्लस में है, तो इसको बराबर में कर देंगे हम, बराबर जीरो। यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस का इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का रूट तीन बटा दो हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारे पास में, यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स प्लस तीन बटा दो बराबर जीरो लिखना है। फिर ये प्लस में है तो क्या होगा, इधर आते माइनस हो जाएगा रूट तीन बटा दो। हमने क्या किया, यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, दो बार लिख दिया इसको, यहाँ पे बराबर में जीरो रखना है, ये प्लस का है तो इधर आते ही माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो इक्वल टू के इस तरफ आने के बाद में माइनस हो जाएगा, ये माइनस लिख दो यहाँ, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।